दोस्तों DSSB की तरफ से चार नए नोटिस जारी किए गए हैं। ये चार नोटिस आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अगर आप खुद से नोटिस चेक करना चाहते हैं तो आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है DSSB.delhi.gov.in, यहां पे लेटेस्ट अपडेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के सेक्शन पे नोटिस देखने को मिलेंगे। ये है आज का पहला नोटिस। दोस्तों रिजल्ट जारी कर दिया गया है, मार्क्स जारी कर दिए गए हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्विमिंग टेक्नोलॉजी फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर पोस्ट कोड 20/23 के। इनका एग्जाम DSSB की तरफ से ऑनलाइन मोड में 18 मार्च 2024 को कंडक्ट कराया गया था, तो आज इनके मार्क्स जारी कर दिए गए हैं और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अनरिजर्व्ड की कट ऑफ रही है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 95.26, EWS की 92.18, OBC की 70.14 और SC की 91.10 और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 19/7/2024 से 2/8/2024 तक 15 दिन का समय दिया जा रहा है। इसके बाद आज का अगला नोटिस, ये एक रिजल्ट नोटिस है। पोस्ट का नाम है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर पोस्ट कोड 30/23। तो इनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी से इन 8 कैंडिडेट का, EWS से 3 और OBC कैटेगरी से इन 9 कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन किया गया है, SC से 2 और ST कैटेगरी से इन 1 कैंडिडेट का। और जो इनकी कट ऑफ रही है वो है इस प्रकार से, अनरिजर्व की 153.31, EWS की 129.08, OBC की 137.76, SC की 140.82, ST की 122.96। वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अनरिजर्व से 2, EWS से 1, OBC से 2, SC से 1 और ST से 1 कैंडिडेट वेटिंग पैनल में है। वेटिंग पैनल लिस्ट की कट ऑफ अनरिजर्व की 151.27, EWS की 127.04, OBC की 134.95, SC की 136.48 और ST की 97.95। इसके बाद आज का अगला नोटिस, ये एक रिजेक्शन नोटिस है जुड़ा हुआ पोस्ट कोड 30/23 से। ये दो कैंडिडेट है, इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि दिए गए समय में इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे। इसके बाद आज का अंतिम नोटिस, ये एक ओरिजिनल नोटिस है जो नोटिस 8/7/2024 को जारी किया गया था उससे जुड़ा हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा PGT संस्कृत पोस्ट कोड 65/23 का जो रिजल्ट जारी किया गया था, मार्क्स जारी किए गए थे, तो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो डेट दर्शाई गई थी वो गलत थी। मैंने उस समय भी आपको कहा था कि इससे जुड़ा हुआ एक कोरिजोंडम जारी किया जाएगा, तो वो जारी कर दिया गया है। ई डोजियर अपलोड करने के लिए जो डेट है वो 9/7/2024 से 23/7/2024 तक है। और जो नोटिफिकेशन में पब्लिश हुई थी वो थी, जो नोटिस में पब्लिश हुई थी वो थी 9/7/2024 से 23/9/2024। तो ये 23/9/2024 नहीं है, ये 23/7/2024 है। तो 23/7/2024 तक आप अपने डोजियर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। बात हो रही है यहाँ PGT संस्कृत फीमेल पोस्ट कोड 65/23 की। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।